सो वॉट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाइपाथसिस टेस्टिंग जब हम एक हाइपोस uh, टेस्टिंग में डिसीजन तक पहुँचते हैं और हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं उसमें uh, कौन से फैक्टर्स uh, हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट वेरेबलिटी ऑफ स्कोर वेरेबिलिटी ऑफ स्कोर का मतलब है कि स्टैंडर्डिएशन यानी स्टैंडर्ड एरर जितनी ज़्यादा वेरिएबलिटी होगी आपका डिसीजन इफेक्ट होगा और वो चेंज हो सकता है और वो इफ़ेक्ट हो सकता है जैसा uh, अभी आपने लास्ट एग्जाम्पल की है आप लेट्स लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट सो यू कैन रिलेट टू इट सो लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल जो हमने अभी पीछे की है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी दैट वॉज़ म्यू विच वॉज एटीन और आपका सिग्मा आपको दिया हुआ था विच वॉज़ फोर और आपका एन साइज हमें पता था दैट वॉज सिक्सटीन और हमें सेम्पल साइज़ पता था विच वॉज फिफ्टीन राइट ये सैम्पल की मीन हमें पता थी अब अब हमने जब z निकाला था इसका कैलकुलेट करके तो वो हमारा आया था माइनस थ्री और हमने कहा था कि नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड लेकिन अगर फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने कहा है कि वेरिएबिलिटी जो है स्कोर्स की वो अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन को टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर लेट्स से कि मैं अगर इसको चार की बजाय बारह कर दूँ नाउ सिग्मा इज ट्वेल्व इंस्टेड ऑफ फोर एंड इफ आई कैलकुलेट जी तो मैं क्या करूँगी हमारे फार्मूला याद है मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन अंडर रूट और हमें मीन पता है विच इज़ फिफ्टीन माइनस एटीन और हमें अब हमने फोर की जगह ट्वेल्व कर दिया है और हमारा सैम्पल साइज़ वही है विच इज़ सिक्सटीन और इसका अंडर रूट लेंगे तो फोर आ जाएगा फोर थ्री से करेंगे ट्वेल्व पर डिवाइड करेंगे तो आपका थ्री आ जाएगा राइट right? तो ये आपका ऊपर माइनस थ्री है और नीचे हमने जब इसका फोर लिया और ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर था तो दैट इज इक्वल टू थ्री अब आपकी z की वैल्यू आ गई है माइनस वन अब अगर उसी को देखें तो आपने पहले नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया था लेकिन अब आपका वन कहाँ पे लाए करेगा वो इस एरिया में करेगा और आपको पता है कि ये एरिया कौन सा है एक्सेप्टेंस का तो अब आपका डिसीजन क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस अब देखें वही डेटा है और सिर्फ आपकी वेरिएबिलिटी चेंज करने से फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस तो आपका डिसीजन जो है वो बदल गया सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आर हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड आर डिसीजन द वेरिएबिलिटी एक्चुअली और द डिविएशन ऑफ द स्कोर्स डफेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसीलिए अगर आपके सैंपल के अंदर बहुत ज़्यादा वेरेबिलिटी हो तो समटाइम्स आपका डिसीजन जो है वो अदर वे वेराउंड होता है इसलिए उसमें आपको आउटलायर्स देखना एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है जब आपका डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो सेकेंड फैक्टर जो है जो कि हमारे डिसीजन को इफ़ेक्ट करता है वो है नंबर ऑफ स्कोर्स इन द दैम्पल यानी साम्पल साइज़ मैंने अभी भी बात की कि हमारा सैम्पल साइज़ जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं हम अप्रोच करते हैं सही डिसीजन के और हम उसमें ट्रू uh, डिसीजन करते हैं क्योंकि हम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल और वेरिएबिलिटी लेकर के आ रहे होते हैं सो इन जनरल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कोर्स कैन इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट और सिग्निफिकेंट इफेक्ट हम करते हैं लेट्स डू एग्जांपल अगेन जो हमने अभी पीछे की है और हम देखते हैं कि सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या इफेक्ट आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है पॉपुलेशन का मीन एटीन सिग्मा फोर अब हम एन सिक्सटीन की बजाय लेट्स डू इट सिक्सटी फोर और आपके पास सैम्पल का मीन वही है विच इज़ फिफ्टीन था अब हम अगर जी निकालेंगे इसका तो हम करेंगे विच इज़ फिफ्टीन माइनस एटीन डिवाइडेड बाई सिग्मा हम फोर ही रहने दिया है और हमने यहाँ पे चेंज कर दिया सिक्सटी फोर कर दिया सिक्सटी फोर का हम जब रूट लेंगे तो दैट विल बी एट और फोर डिवाइडेड बाय एट विल बी इक्वल टू पॉइंट फाइव अब ये फिफ्टीन माइनस एटीन जो है वो माइनस थ्री है डिवाइडेड बाय पॉइंट फाइव है तो अब अगर आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो द आंसर विल बी पहले हमारा जी स्कोर थ्री आया था अब हमारा जी स्कोर आ जाएगा सिक्स सो सी कि अब हमारी मोर सिग्निफिकेंस अचीव हो गई और हमारी ज़्यादा बढ़ गई डिस्ट्रीब्यूशन में पहले अगर हम ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू थी और हम यहाँ पे फॉल कर रहे थे अब हम हाईली सिग्निफिकेंट एरिया में चले गए जहाँ पे हमारी जी की वैल्यू सिक्स हो गई है सो so, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं हमारी डिसीजन को चेंज करते हैं मैंने आपको पहले भी जोक बताया था कि सैम्पल साइज़ इंक्रीज करना एक रूल ऑफ थम समझा जाता है स्टेटिस्टिक्स के अंदर लेकिन ना सिर्फ ये कि हम सिग्निफिकेंस को अचीव कर लेते हैं लेकिन मेरा वैसे एजाम्शन ये है कि जब हम सैंपल साइज़ इंक्रीज करते जाते हैं तो हम ज़्यादा सही डिसीजन पे पहुंचते जाते हैं क्यों क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से सिर्फ दस लोगों को स्टडी करके मैं कोई फाइंड आउट करूँगी तो मे बी एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे लेकिन अगर उस बड़ी पॉपुलेशन में से मैं 200, 300, 500 या मे बी अबव फाइव हंड्रेड सैम्पल लूँगी तो आई विल बी यू नो इंक्लूडिंग मोर वेरेबिलिटी मोर रियल काइंड ऑफ सैम्पल इन टू माई सैम्पल तो फिर हमारा डिसीजन जो है वो ज्यादा क्लोजली एक्यूरेट और फिर सही सिग्निफिकेंस की तरफ हम मूव करते जाते हैं तो द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाइपोथिस टेस्टिंग आर वेरेबिलिटी एंड सैंपल साइज